सीसीटीवी सिस्टम को मजबूत करने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर कलेक्टर परिसर में चार जगहों पर आम जनता तथा कर्मचारियों को आयुष काढ़ा पिलाया जा रहा है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बताया कि कोरोना वायरस का संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, सरकार ने कुछ दवाएं जारी किया है और इस सीजन में अधिकतर लोगों को खांसी एवं खराश की समस्या होती है, जिसको कम करने के लिए आयुष मंत्रालय की तरफ से एक काढ़ा उपलब्ध करवाया गया है, जिसको देखते हुए कलेक्टर परिसर के चार जगहों पर आम जनता एवं यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को आयुष काढ़ा पिलाया जा रहा है, जिससे कि गले में ही खराश, हल्का बुखार एवं बाकी समस्या को खत्म किया जा सके और इस काढ़ा को पीने से इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, नाम देखिए, ये अभी तो कोरोना काल में तो 5-6 महीने से हम लोग लड़ रहे हैं और सरकार भी बहुत सारे उसका दवाएं जारी किए हैं। कुछ दवाएं हैं प्रिवेंटिव, प्रोफेलैक्सी कहते हैं, प्रिवेंटिव दवाएं, कुछ दवाएं बीमारी आने के बाद करने के लिए। प्रोफेलैक्सिक में ये जो आयुष मंत्रालय जरिए से एक काढ़ा है, काढ़ा बनाने के लिए वो सूत्र भी दिए थे, यहाँ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी के माध्यम से हम लोग लिए थे, वो सर्टिफाइड है, उसको बना करके हम लोग कलेक्ट्रेट में चार जगह लगाएं, ताकि जो भी जनता आते हैं, मेरा कर्मचारी आते हैं, उसको निःशुल्क पिलाया जा रहा है, उससे इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ेगा और बाकी गला का खुरच है, हल्की बुखार है, वो सारे चीज़ का अपने आप एक इलाज है। और इस मौसम में वैसे ही मॉइस्चर ज़्यादा है, तराई बेल्ट में इसी टाइप का बीमारी, इससे संबंधित बीमारी, कोरोना नहीं होता तो और बाकी बीमारी भी बढ़ती है, वैसे जो संक्रमण बीमारी इस समय में, उसी के भी एक अच्छा सॉल्यूशन के रूप से रहेगा, इसलिए हम पहल किए हैं। हम धीरे धीरे हर दफ्तर में लगाएंगे और कहाँ कहाँ जनता इकट्ठा होते हैं, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सब में लगाने के लिए प्रयास करें, CSR के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारा पूरा जनता इम्यून रहता है, सेफ रहता है, वो हमारा देश के लिए, हमारा जो जनपद के लिए एक सुरक्षा के विषय है, वो इसलिए पहल किए।